हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद हर्षित आज की इस वीडियो में हम जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेपर एनालाइज़ करेंगे ये सब्जेक्ट कॉमन है बी बी ए बी सी ए और सभी सब्जेक्ट में कॉमन है तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं ये जो है तीन सेक्शन में डिवाइड करा गया है पेपर जो है सेक्शन ए में जो है लॉन्ग आंसर हैं सेक्शन बी में शॉर्ट हैं और सेक्शन सी में जो है वेरी शॉर्ट हैं सबसे पहले आता है सेक्शन ए सेक्शन ए में जो है छः क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने हैं आपको तीन क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन जो है ट्वेंटी मार्क्स का है तीन करने हैं साठ नंबर का ये सेक्शन है तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है हमारा वॉट इज पॉल्यूशन पॉल्यूशन क्या होता है आपको जो है सभी डिटेल में लिखने हैं फ्रेंड्स साथ ही साथ डिस्क्राइब करना है इन डिटेल एयर पॉल्यूशन इट्स टाइप एंड कंट्रोल मेजर एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं ये आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर टू है इसमें डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है डिस्क्राइब करना है डिटेल में स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या स्ट्रक्चर होता है क्या फंक्शन होते हैं इकोसिस्टम में यह आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है राइट एंड एस ऑन मिनरल रिसोर्सेस मिनरल रिसोर्सेज क्या होती हैं इस पर आपको एक ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर में जो है राइट करना है नोट एनर्जी फ्लो इन एनी इको सिस्टम रीड बाई यू एनर्जी फ्लो इन एनी इको सिस्टम क्या है ये आपको बताना है और आपको बताना है एसिड रेन क्या होती है आपने नाम तो सुना होगा एसिड रेन एसिड रेन होती क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा वॉट डू यू मीन बाई नेचुरल रिसोर्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेनेबल एंड नॉन रेनेबल रिसोर्स एक्सप्लन करना है विद द हेल्प ऑफ एक्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स क्या होती हैं रेनेबल और नॉन रिलेबल रिसोर्स भी क्या होती हैं आपको बताना है इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है सिक्स इसमें आपको डिफाइन करना है एनवायरमेंट क्या होता है और डिस्कस करना है सभी फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट के ये था हमारा सेक्शन ए फ्रेंड्स ये जो है सिक्सटी मार्क्स का सेक्शन है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं और ये हंड्रेड मार्क्स का पेपर है अब सेक्शन बी पे आते हैं सेक्शन बी सेक्शन बी जो है हमारे ट्वेंटी मार्क्स का है इसमें हमें दो क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन नंबर वन है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोलॉजिकल प्रामिट इकोलॉजिकल प्रामिट पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है साथ ही साथ फूड चेन और फूड वेब क्या होता है आपको बताना है इन दोनों के बारे में क्वेश्चन नंबर टू है इसमें हमारा गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट वाटर कंजर्वेशन क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंट्स क्या है ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डू यू मीन बाई ओजोन लेयर ओजोन लेयर से आप क्या समझते हैं और एक्सप्लेन करें किस वजह से ये जो है और जो लेयर हमारी खराब हो रही है डेप्रेशन हो रहा है क्या कॉस है इन सेक्शन सी आता है हमारा थर्ड इसमें जो है हमें चार क्वेश्चन करने हैं ये फाइव पार्ट हैं हर एक जो है चार नंबर का है तो हमें पूरे के पाँच के पाँच करने हैं ट्वेंटी मार्क्स का सेक्शन है इसमें नंबर वन है हमारा आपको शॉर्ट नोट लिखना है एच आई वी पर नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या होता है ह्यूमन राइट्स क्या हैं सॉइल इरोजन क्या होता है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी वेरी शॉर्ट वाले हैं तो आपको इनको ध्यान में रखते हुए आंसर देना है तो आइयो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षद सब्सक्राइब करें और आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हमारे लाइक करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो